रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरव्यू में शामिल होने आए स्टाफ नर्स ने मेडिकल कॉलेज में किया हंगामा। हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार नहीं कर रहे स्टाफ नर्स की नियुक्ति। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में स्टाफ नर्स ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय पूर्व से कार्यरत NHM संविदा स्टाफ नर्स को भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है। समस्त स्टाफ नर्स NHM संविदा स्टाफ नर्स श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत 5 से 8 वर्षों से कार्यरत है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में स्टाफ नर्स को प्राथमिकता नहीं दिए गए। मेडिकल कॉलेज से प्रकाशित मेरिट सूची में हम लोगों का नाम अंकित नहीं है, जिसके संबंध में हम समस्त NHM संविदा स्टाफ नर्स चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा 4 सितंबर 2020 को कमिश्नर रीवा संभाग से सामूहिक रूप से आवेदन देकर साथ ही हॉस्पिटल में भर्ती में संविदा स्टाफ नर्स चिकित्सा महाविद्यालय अनुरोध किया गया था। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट पे। अपात्र हो जाओगे,
ऐसे इंटरव्यू के लिए किया था, किसी दिन आओगे या पास हो जाओ, लेकिन कल जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो कैंडिडेट आज भी आ रहा है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक। और हम लोगों को कल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, आज नहीं बुलाया गया, तो मतलब ये क्या है, ऐसा रातों रात क्या हो गया कि आपने पूरी काया माया ही पलट दी? क्या किसी एक को लाभ देने के लिए आपने इतना बड़ा गेम कर दिया? आपको बुलाया गया कल तक इन कैंडिडेटों को बुलाया था, वेरिफिकेशन हुआ था, बोले आप लोग सब एलिजिबल हैं, हालांकि आप लोग इंटरव्यू दीजिए, आज इंटरव्यू के लिए बोले आप लोग एलिजिबल नहीं, हमारी 63% है, आप लोग सब आ सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आगे बात नहीं सुनी जाएगी तो अपन धरना देंगे और कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे। यहाँ का कहना भी है, मतलब जो भी हम लोगों ने बात हुई यहाँ के कमेटी से, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो कर दिया है, आपको ज़्यादा दिक्कत है आप कोर्ट में जाइए, मतलब आप अन्याय करते रहो हम कोर्ट में जाएं, ये आपका अन्याय करना ध्येय है। आप नियम कैसे बदल रहे हो, कैसे आप पर एक चैनल से आप चलो ना, हाँ आपको वेरिफिकेशन में बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वही चेक करेंगे हम जो आप एप्लीकेशन में लगाए हो, अनुभव वही मानेंगे जो आप एप्लीकेशन में लगाए हो, लेकिन एप्लीकेशन कुछ कह रहा है, डॉक्यूमेंट कुछ कह रहा है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी नौकरी कर रहा है वो नौकरी करते करते इधर तनख्वाह भी ले रहा है और जाके दूर जो कॉलेज है वहाँ से एक रेगुलर डिग्री भी ले रहा है, पोस्ट भी अच्छी की, ऐसा कैसे हो सकता है जब वो पढ़ाई रेगुलर नहीं होती है, हाँ तो उसकी स्वीकृति कहाँ है, किसने दी है और कैसे एलिजिबल कर लिया, इंटरव्यू आज की डेट की वेरिफिकेशन क्यों कर लिया, यही है। अगर मिले तो उन्होंने कहा कि वो सब सही हुआ है, आपको दिक्कत हो तो आप कोर्ट में जाइए, मतलब आप गलत करते रहो हम कोर्ट में जाते हैं। इसमें किसकी लापरवाही आ रही है, किसकी लापरवाही आ रही है इसमें? तो इनकी पूरी कमेटी की, डीन से लेके और पूरी भर्ती कमेटी की ही पूरी दिक्कत है और लखनऊ से ही दिक्कत है। कौन है डीन? डीन इस समय प्रभारी डॉक्टर मनोज कुलकर है और कमेटी में डॉक्टर आलोक सिंह है और सुपरिंटेंडेंट वहाँ के डॉक्टर सुधाकर है और एक दो मैडम कमेटी में और। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा है। जी बताइए। देखिए इसकी जो फॉर्म है 2019 में एमपी ऑनलाइन से लोगों ने फॉर्म भरे थे सुपर स्पेशलिटी की, कोई 141 सीट्स आई, ठीक है सर, उसमें 90 नंबर के मेरिट थी और 10 नंबर का इंटरव्यू था। तो 90 नंबर की मेरिट में 65 नंबर उनके वो थे जिनका बीएससी जीएनएम में जितने परसेंटेज आए थे उसका 65% था, 5 नंबर एमपी की डोमिसाइल का था और 10 नंबर हमने बीएससी वालों को दिए थे जीएनएम के ओवर कंपेयर में, और इस हिसाब से 80 नंबर से मेरिट बनी और 10 नंबर एक्सपीरियंस के थे। तो जो एक्सपीरियंस का क्लॉज था उसमें ये था कि 300 बेड या उससे ज़्यादा का सरकारी अस्पताल होना चाहिए और एक साल का 2 नंबर का एक्सपीरियंस देना था। तो इस तरह 90 नंबर में एक मेरिट बनी और एक सीट के उसमें 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो उस तरह कट ऑफ गया 63.75 जनरल कैटेगरी में, तो जिसके 63.75% से ज़्यादा थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो ये सुपर स्पेशलिटी को लेकर के भर्तियाँ चल रही हैं, कुछ प्रत्याशी बाहर खड़े हैं, उनका कुछ आरोप है कि इंटरव्यू नहीं लिया और बिना इंटरव्यू के उनको घोषित कर दिया, पर उसके लिए इस वक्त घोषित कर दिया, क्या पूरा मामला चल रहा है? पात्र पात्र में जो अधिकतर लोगों ने आकर हम लोगों से शिकायत की है तो ये था कि हमारे जो विज्ञप्ति में जो हमारी शर्तें थी कि 300 बिस्तर वाला सर अस्पताल में जिसने शादी किया है उसको हम लोग इनपुट कर, और कई जो प्रार्थी है उनका ये कहना है कि वो बिस्तर वाले में कार्य कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने हमारी विज्ञप्ति में क्लियर कर लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जो 300 बिस्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको हम इनपुट कर रहे हैं, और इसके अलावा कई लोगों ने और भी शिकायत की है एक्सपीरियंस के बेस पे भी, तो एक्सपीरियंस पे भी हम लोगों ने नंबरिंग का ऑप्शन बना रखा है और इंटरव्यू तो हम लोगों ने 10 नंबर का इंटरव्यू लेकर वो रखा है ना, जिससे और आपको तो डॉक्टर आलोक जो हमारे हम लोगों ने जो नियम फेम किया है उस पर आप डॉक्टर आलोक तो मेरी जो शिकायत है ये लोगों की कि हम 100 बिस्तर पर कार्य कर रहे हैं, छोटा सा जिला अस्पताल है, हम लोग क्यों पात्र नहीं हैं? क्योंकि शुरू से ही जब नियम बनाए गए तो 300 उनकी शिकायत थी लोगों को, यही सर। उनका कहना है कि 31 लोगों का ही चयन हो पाया और बाकी लोगों को बाहर कर दिया, इंटरव्यू नहीं हो पाया। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर आलोक सिंह जो है आपको जिसकी ड्रीम्स है।